गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आपको पता है कोरोना के कहर से कोई नहीं बच रहा, इसलिए स्कूल है जो थोड़े दिन के लिए बंद हो रही है, बट हमें तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपना जो आगे का कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे और जो अपनी पढ़ने की हैबिट है वो बनाए रखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करती है। आज डेट है 13 क्लास सेकंड, और सेकंड के अंदर हमारे लोगों क्या चल रहा था बच्चों, क्या चल रहा था, पार्ट 8, क्योंकि 7 तक अपने कंप्लीट हो गए थे, सब बच्चों को हो गया था, टेस्ट भी हो गया था 7 चैप्टर का, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम क्या है, मैं क्या करूं। ओके, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी जो कोर्स बुक है वो ओपन कीजिए। क्या करेंगे बच्चों, कोर्स बुक ओपन करेंगे, ठीक है, जल्दी करिए सभी, सबने कर ली तो निकाल दिए इसका चैप्टर कौन सा, चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है, मैं क्या करूं। ओके, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या हुआ है, देखो क्या लिखा है, पार्ट क्यों, आप छुट्टी वाले दिन क्या क्या करते हैं चर्चा कीजिए। अब सभी बच्चे एक सा काम तो करते नहीं है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो कोई तो घूमने जाता है, कोई घर पे बैठ के आराम करता है, कोई अपने बड़ों के साथ रहना पसंद करता है, कोई छोटों के साथ खेलना पसंद करता है, सब ऐसे करते हैं ना, इसलिए इसमें कहा गया क्या करते हैं वो आप लोग अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं कि आप हम क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। ओके, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पढ़ने यानी बच्चों, मैंने कई बार बताया हुआ क्लास के अंदर क्या होता है पठन यानी पढ़ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, सभी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और लाइन पे जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ वहां पे अपनी फिंगर लगा के रखेंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, फिंगर। ओके, तो देखते हैं, और साथ में अपनी नोटबुक भी ओपन करनी है, क्योंकि पता है ना आपको कि मैं साथ साथ में आपको जो शब्द अर्थ होते हैं वो भी करवाती जाती हूँ, ठीक है ना। सो स्टार्ट कर लेते हैं, नोटबुक भी निकाल लीजिए अपनी, और साथ में अपनी बुक भी निकाल लीजिए, और चैप्टर 8 निकाल लीजिए, और हेडिंग डालनी है आपको CW लगा के नोटबुक के अंदर, डेट लगानी है, डे लगानी है। ओके, पार्ट 8 राइट करना है, मैं क्या करूं ये भी ऐड करना है आपको। ओके, तब आपको ये नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है और कब चला ये, ठीक है, डेट वगैरह लगानी है आपको। शब्द अर्थ, इससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखिए आइए कहानी पढ़कर जानते हैं कि नीनू जब ऊब गई तो उसने क्या किया। अब इसके अंदर क्या है कि एक नीनू नाम की बच्ची है, देखो ये रखी ना वो बच्ची, सॉरी रखी नहीं, यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि छुट्टी वाले दिन क्या क्या काम करती है, इसके बारे में बताया, तभी तो आपसे पूछा ना कि आप छुट्टी वाले दिन क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं, आज नीनू की छुट्टी है। अब देखिए छुट्टी का लिखते हैं अपन, छुट्टी यानी क्या होता है, अवकाश, क्या होता है बच्चों, सभी बोलेंगे अवकाश। ओके, लिखिए अपनी नोटबुक में अवकाश, और नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है बच्चों, लिखना कैसे है, नीट एंड क्लीन। ओके, आगे देखते हैं, घर पर सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सबके घर में करते हैं, जैसे आपकी छुट्टी हो मान लो उस दिन, ये थोड़ी ना कि आपकी छुट्टी होगी तो सबकी छुट्टी होगी, नहीं होती, मम्मी की तो कभी छुट्टी नहीं होती, वो तो अपने घर का काम डेली करती है, चाहे वो जॉब करें या नहीं करें, ठीक है ना, कुछ ना काम करते हैं। पर नीनू के पास कुछ काम नहीं था, नीनू के पास कोई भी काम नहीं था, नीनू भी कुछ काम करना चाहती है। अब नीनू भी क्या चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, वो भी अकेले घर में बड़ी बड़ी बोर हो रही है, इसलिए वो भी चाहती है कि मैं भी किसी की हेल्प करूँ या मैं भी कुछ अलग से कोई काम करूँ। वह क्या करे, यह सोचते सोचते नीनू माँ के पास पहुँची, ये सोचते सोचते नीनू किसके पास पहुँची, अपनी माँ के पास यानी मम्मी के पास। माँ रसोई में खाना बना रही थी, माँ क्या कर रही थी, रसोई में खाना बना रही थी। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है ना ये चीज़ें कि जहाँ पे वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पे क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है, और जहाँ पे प्रश्न पूछता है वह क्या करें, जैसे प्रश्न पूछा ना तो वहाँ क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और चिन्ह नहीं होता वो चिहन होता है। ओके, माँ को देख नीनू बोली, अब माँ को देख नीनू बोली, क्या बोली, बहुत किया आराम, मुझे करना है कुछ काम, पर मैं क्या करूँ। अब देखिए
बहुत किया आराम, मुझे करना है कुछ काम। ये आपका वाक्य पूरा हो गया था, यहाँ पे क्या आ गया, पूर्ण विराम आ गया। आगे देखो क्या है, पर मैं क्या करूँ। तो ये प्रश्न तो पूछ रही है किससे, अपनी माँ से। तो प्रश्न होने के बाद में यहाँ क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिह्न। ओके, नेक्स्ट पेज निकाल लिए बच्चों, सभी निकालेंगे और मेरे साथ साथ सभी बच्चे रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, माँ ने नीनू की बात सुनी और उसे एक प्लास्टिक का खाली डिब्बा दे दिया। अब क्या हुआ कि जब नीनू ने अपनी प्रॉब्लम बताई, माँ को समस्या बताई, तो नीनू की माँ ने उसे क्या दिया, एक प्लास्टिक का खाली डिब्बा दे दिया जिसका ढक्कन टूट गया था, क्योंकि वो अब रसोई में तो कोई काम आ रहा नहीं था। जब डिब्बे के अंदर कोई सामान डालते हैं तो उसके अंदर ढक्कन भी तो ज़रूरी होता है ना, वो था नहीं। माँ बोली, मेरे पास ये प्लास्टिक का डिब्बा रखा है, देखो तुम इससे क्या कर सकती हो। अब वो माँ बोली कि नीनू, मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा रखा है बट इसके ढक्कन नहीं है, अब देख लो आप इससे क्या कर सकते हो। नीनू ने डिब्बे को देखा, अब नीनू ने इस डिब्बे को देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। अब उसे कुछ समझ में भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि एकदम से अपन किसी चीज़ को देखते हैं तो अपने दिमाग में थोड़ी ना आता है ये चीज़ क्या बनाई। हाँ, थोड़ा सोच विचार करके फिर बता सकती है कि अपन इसका क्या करना है। फिर वह दादाजी के पास पहुँची, उसके बाद वो कहाँ गई, अपने दादाजी के पास पहुँची। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, दादाजी क्या पढ़ रहे थे, अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूज़पेपर, और क्या पढ़ रहे थे हिंदी में, अखबार। नीनू दादाजी से बोली, अब दादाजी के पास गई और बोली, बहुत किया आराम, मुझे करना है कुछ काम। माँ को बताया बिना ढक्कन का डिब्बा पाया, पर मैं क्या करूँ। अब उसने अपने दादाजी को क्या बोला कि मैंने बहुत आराम कर लिया है, अब मुझे कुछ काम करना है। अब माँ को बताया तो उन्होंने मुझे क्या दिया, बिना ढक्कन का डिब्बा दिया, पर मैं क्या करूँ। नीनू की बात सुन दादाजी बोले, मेरे पास ये गोंद और नहीं और कुछ अखबार रखे हैं, देखो तुम इनसे क्या कर सकती हो। अब दादाजी ने क्या बोला, अब मेरे पास तो ये कुछ अखबार रखे हैं, ठीक है, और गोंद रखा है, अब इनसे तुम क्या कर सकती हो वो देखो, ठीक है। नीनू ने उस प्लास्टिक के डिब्बे को देखा, अखबार को देखा और फिर गोंद की मदद से डिब्बे पर अखबार चिपका दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक डिब्बा लिया, डिब्बा तो दे दिया था मम्मी ने उनको, किसको, नीनू को। अब डिब्बे के चारों तरफ उसने अखबार लगा दिया, किसकी सहायता से, गोंद की सहायता से। अब देखो मदद क्या होती है, अब लिखते हैं अगला नेक्स्ट, मदद यानी इनके बच्चे सभी लिखेंगे और नीट है भी नोटबुक में इधर वर्किंग करनी है, मैं आपको क्लास से वर्किंग करवाती हूँ सिल ब्लू का, उसी तरह से आप लोग नीट एंड क्लीन ये वर्किंग करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि जितने दिन आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी उस अपन ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया ना, एक बार नहीं चार बार आप पूछना, बट गलत मत करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना। ओके, मदद यानी क्या होता है बच्चों, सहायता, क्या होता है सहायता, किसी की अपनी हेल्प करते हैं ना उसको बोलते हैं सहायता। ओके, उसके बाद में देखो क्या हो गया, नीनू ने उस प्लास्टिक के डिब्बे को देखा, अखबार को देखा और फिर गोंद की मदद से डिब्बे पर अखबार चिपका दिया, ठीक है। पर अब क्या करें, अब अखबार तो चिपक गया, डिब्बा भी अखबार के अंदर हो गया, अब क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसको, नीनू को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हुए ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि उसके दिमाग में कई प्रश्न चल रहे हैं कि वो क्या करे। फिर नीनू अपने चाचा के पास पहुँची, वे चित्र बना रहे थे, क्या बना रहे थे, चित्र। चित्र यानी क्या होता है, क्या होता है, तस्वीर। नीनू उनसे बोली, किससे बोली, अपने चाचा जी से बोली। ओके, क्या बोली देखते हैं, बहुत किया आराम, मुझे करना है कुछ काम। माँ को बताया बिना ढक्कन का डिब्बा पाया, दादा को दिखलाया रद्दी अखबार उनसे पाया, गोंद की मदद से उसे डिब्बे पर चिपकाया, पर मैं क्या करूं, क्या करेगी वो बताओ, आप बताओ क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने चिपका तो लिया, अब रद्दी यानी क्या होता है बच्चों, बेकार। देखो जैसे रद्दी वाला आता है ना, कबाड़ी वाला आता है, रद्दी वाला वो ही होते हैं उसको, तो वो क्या होता है, देखो दे के नीचे रह लगाया हालत,
रद्दी यानी बेकार, वो बेकार यानी अखबार, ठीक है, समझ में आ गया।